यूपी के बुलंदशहर में दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर 20 लाख रुपए की कीमत के सरिये से भरे ट्रोले को ओवरटेक कर लूट कर भाग रहे बदमाश को गुलावटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद दावा किया है कि हाईवे पर ऑन डिमांड लूट की गई और लूटे गए 20 लाख रुपए के सरियों की सप्लाई गाजियाबाद करने जा रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में आए गाजियाबाद के इमरान पर 20 लाख रुपए के सरियों से भरे ट्रक को लूटकर लूटे माल की गाजियाबाद में सप्लाई करने का आरोप है। दरअसल आज स्विफ्ट कार सवार आधा दर्जन बदमाशों ने NH91 पर खुर्जा क्षेत्र में ओवरटेक कर सरियों से भरा ट्रॉला लूट लिया और चालक परिचालक को बंधक बनाकर खेतों में फेंक कर फरार हो गए। कुछ देर बाद बुलंदशहर पुलिस को चालक परिचालक ने लूट की जानकारी दी। लूट की वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके की नाकेबंदी कर जनपद की सीमाएं सील कर दी गई और सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, ये बुलंदशहर में NH91 पर एक ट्रक ट्रॉलर लूटा गया सरियों से भरा हुआ और ये गुलावटी क्षेत्र में बरामद हुआ है, क्या है पूरा मामला सर? कल रात में हाईवे पे एक ट्रॉलर जिसके सरिया लदा हुआ था उस पर कुछ बदमाशों ने उसके साथ लूटपाट की घटना की, ट्रक लूट करके ले जा रहे थे। इस बीच में सूचना फ्लैश है और पुलिस ने गुलावटी पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पुलिस ट्रॉलर को बरामद कर लिया और उसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि इसमें और घटना में कौन कौन लोग संलिप्त थे और उनकी कहाँ रहते हैं, क्या देते हैं, विस्तृत जानकारी के बाद जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। सर, बताया जा रहा है ये ऑन डिमांड लूट थी, लूट के बाद ये गाजियाबाद किसी सरिया व्यापारी को डिलीवरी करने जा रहे थे माल की। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसने ऐसी कुछ बातें बताई हैं, उससे और भी विस्तृत जानकारी करने की कोशिश की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उनके आधार पे जो भी लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। बुलंदशहर हाईवे पर 91 रोड पर रात्रि में शिफ्ट में सवार बदमाशों ने एक लोहे से भरा ट्रोला लूट लिया और फरार हो गए। हालांकि गुलावटी पुलिस ने लुटेरों में से एक बदमाश को गिरफ्तार कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन हारून सेफी के साथ रिजवान अंसारी, CMN न्यूज़, बुलंदशहर।